बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा रऊफ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन रोस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन रोस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 किलो मुर्गी लिया, इसको हम अच्छे से कट लगा लेंगे। तो ये कर दो, आपने पीछे भी इसके कट लगा लेने हैं। जिसमें मसाला है वो अच्छे से रच बस जाए और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो जो हमारे स्पाइसेस है वो कुछ यूं है, मैंने 1 कप दही लिया है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें कुटी हुई, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून ये रोस्ट मसाला है तो इसको मैं डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून। ये गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। ये काली मिर्चें, इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने मसाला अपना रेडी किया तब हम इसको चिकन पे लगाएंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। आप हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप चम्मच से ही करें। देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखूँगी। आप अगर बनाना चाहते हैं जल्दी तो आप 5 घंटे बाद बना सकते हैं। इसको हम रोस्ट करेंगे, मैं इसको ओवन में बनाऊँगी। इसमें पानी हमने अपने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया, इसको ओवरनाइट रखा था हमने मैरिनेट होने के लिए। अब इसको रोड पे लगाएंगे। रोड पे लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, वो है टूथपिक और ये सूती धागा। तो चलिए लगाते हैं। जो रोड है इसकी जो फॉग है आपने उसको पहले उतार लेना है। इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और आपने जो फोक है उनको भी अच्छे से कर लेना है और एहतियात से करना है क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प है। आपने चिकन के ऊपर भी ऑयल लगाना है ताकि अच्छे से बेक हो जाए। जो परात में मसाला है आप उसको अच्छे से हाथों की मदद से चिकन के ऊपर वापस लगा लें अच्छे से। ये अब अच्छे से मसाला हमने लगा लिया चिकन के ऊपर, हम इसको अपने रोड में लगाएंगे। अब हम इसकी टांगों को अच्छे से धागे की मदद से बांध लेंगे ताकि ये इधर उधर गिरे नहीं। टूथपिक की मदद से आप इसके जो पैर हैं उनको भी अच्छे से टूथपिक लगा के जो फिक्स कर देंगे ताकि वो भी हिले ना और अच्छे से ब्रेक हो जाए इस तरह।
और आपने गर्दन को भी इसी तरह कर लेना, टूथपिक की मदद से इसको फिक्स कर देना एक जगह पे। आपने रॉड लेके और जो फॉग है वो अंदर डालना है। इसका स्क्रू टाइट कर लेना है ताकि हिले ना। अब आप चिकन डालेंगे, रॉड जो चिकन हमने रॉड के अंदर लगा दिया, दूसरा आपने फॉग लेना है और उसको ऊपर से डालना है और स्किन के अंदर अच्छे से आप लोगों ने डाल देना है ताकि चिकन हिले ना। और अब स्क्रू जो है वो आप टाइट कर दें। ये हमने अच्छे से चिकन फिक्स कर दिया और अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे। मैंने 180 डिग्री पे ओवन को पहले से ही प्रीहीट कर दिया था, तो चलिए अब इसको बेक करते हैं। हमने इसको ग्रिल पे सेट कर दिया चिकन को और हम इसको ग्रिल पे बेक करेंगे 50 मिनट के लिए। हाँ, 180 डिग्री पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं चिकन की अच्छे से ग्रिल हो गई है और ये अंदर से बहुत अच्छी पक गई है। ये देख सकते हैं अभी बहुत गर्म है, तो ये अंदर से बिल्कुल भी रेड नहीं है, बिल्कुल वाइट है। इसको मतलब ये कि बहुत अच्छे से बेक हुई है, ग्रिल हो गई है और मैं इसको खा के नहीं चेक करा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।